वेलकम टू माय चैनल मैं हूं प्रशंसा आज मैं आपको कॉलिंस रिवाइज्ड इंगेजिंग इंग्लिश क्लास वन का एक चैप्टर सिखाऊंगी लेसन नंबर टेन काइंड एम्मा लेट्स गेट स्टार्टेड सम पीपल इन दिस पिक्चर्स नीड हेल्प यहाँ पे पिक्चर्स में जो लोग हैं उनको हेल्प की जरूरत है डिस्कस क्लास एंड फिल द एम्प्टी स्पीच बबल्स विद काइंड रिस्पॉन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये जो स्पीच बबल्स है उसको काइंड रिस्पॉन्स प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स के साथ भरेंगे ये लड़का बोल रहा है इट्स सो हॉट आई एम सो थर्स्टी इसने बोला कि बहुत गर्मी है मुझे बहुत प्यास लग रही है यहाँ पे दूसरा लड़का उसका फ्रेंड है वो काइंड रिस्पॉन्स बोलेगा टेक इट इट इज वॉटर ये उसको पानी देगा पीने के लिए क्योंकि इसको प्यास लगी है अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओ आई वॉक सो स्लोली हाउ आई व्यू क्रॉस द बिजी रोड ये ओल्ड मैन बोल रहे हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ मैं ये बिजी रोड कैसे क्रॉस करूंगा यहाँ पे एक लड़की है वो उनको हेल्प करते हुए बोल रही है कम ऑन आई विल हेल्प यू वो उसकी उनकी हेल्प करेगी उनको रोड क्रॉस करने में अब हम स्टोरी रीड करते हैं डू यू शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स और योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या आप अपनी चीजें अपने दोस्तों के साथ भाई के साथ बहन के साथ शेयर करते हो डू यू लाइक हेल्पिंग अदर्स क्या आपको दूसरों को हेल्प करना पसंद है रीड द स्टोरी अबाउट अ गर्ल कॉल्ड एमा हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे एक लड़की के बारे में जिसका नाम है एमा शी मेक्स अ स्पेशल फ्रेंड वेन शी इज काइंड टू समल फ्रेंड बना लेती है जब वो किसी से काइंड होती है तब काइंड एमा लिव ऑल अलोन

ओ डियर एमा ओ वेयर कैन आई गो इन द विंड एंड स्नो वो वॉइस कहा जा सकती है इतनी wind में, इतनी विंड में में स्नो वो कहा छुपे काइंड ऐम ने दरवाजा खोला और बोला कम इन टू माई हाउस कम इन टू माई हाउस सेड काइंड एमा शी ओपन द डोर द टाइनी क्रीचर कल्टर्ड इन काइंड ऐम ने अपना दरवाजा खोला एक बहुत छोटा सा क्रीचर था क्रीचर मतलब अ लिविंग थिंग एक जीता जाता थिंग उसको क्रीचर बोलते हैं, अ टाइनी क्रीचर स्कटल्ड इन एक छोटा सा लिविंग थिंग अंदर आया दौड़ते हुए स्कटल्ड मतलब मूव्ड और रैन हरीली दौड़ते हुए अंदर आया इट वॉज ऑलमोस्ट टू स्मॉल टू बी सीन वो इतना छोटा था कि दिख ही नहीं रहा था देन द लिटिल वॉयस सेड ओ डियर एमा ओ योर फायर हैज़ बर्न लो एंड आई शिवर सो वो जो छोटा सा क्रीचर था उसने अपनी छोटी आवाज में बोला ओ डियर एमा ओ ओ प्यारी एमा ओ योर फायर हैज़ बर्न लो तुमने जो आग जलाई है वो धीरे हो गई है कम हो गई है एंड आई श्यवर सो उसको ठंड लग रही है आई विल मेक द फायर ग्लो फॉर यू सेमा काइंड एमा ने बोला मैं आग को जला देती हूँ बढ़ा देती हूँ शी पोप द फायर द ऑरेंज फ्लेम्स बिकम लिटिल बिगर एंड ब्राइटर उसने फायर में और लकड़ियां डाली तो जो ऑरेंज कलर की फ्लेम्स थी फ्लेम्स मतलब शाइनिंग पार्ट ऑफ फायर वो और ज्यादा बड़ी हो गई और ब्राइट हो गई देन द लिटिल वॉइस सेड ओ डियर एमा ओ ओ प्यारी एमा ओ आई एट लॉन्ग अगो आई नीड फूड सो वो टाइनी क्रीचर ने बोला कि मुझे बहुत दिन हुए खाना खाए मुझे भूख लगी है आई विल शेयर वॉट आई है बोला मेरे पास जो भी है मैं तुमको शेयर करूंगी शी पुट अ डिश ऑफ हॉट सूप एंड अ वेरी स्मॉल स्पून ऑन द टेबल उसने एक डिश रखा हॉट सूप का और स्पून का टेबल पे द टाइनी क्रीचर स्टे हेडन इट वॉज टू कम आउट टाइनी क्रीचर डर रहा था बाहर आने से वो छुपा रहा गुड नाइट सेमा काइंड ने टाइनी क्रीचर को गुड नाइट बोला मे बी द टाइनी थिंग वे कम आउट एंड ईट इफ आई लिव द रूम शी था एमा को लगा अगर मैं रूम से चली जाऊंगी तो टाइनी क्रीचर आएगा और खाना खा लेगा next morning when ima awoke agli Sumha jab ima uthi the fire burnt and the water was hot fresh bread was ready floor was scrubbed and the house was tidy and clean fire jal rahi thi. hot water was ready fresh bread was ready bread bhi rahi thi. द फ्लोर वॉश स्क्रब्ड स्क्रब्ड मतलब क्लीनिंग बाय रबिंग हार्ड पोछा लगाना फ्लोर वॉश स्क्रब्ड एंड द हाउस वॉस टाइडी एंड क्लीन हाउस बिल्कुल ठीक था नीट एंड टाइडी था टाइनी क्रीचर स्टेड ऑन विथ काइंड एमा एंड ईट टूगेदर प्ले टूगेदर टाइनी क्रीचर हम ईमा एमा के साथ रहा वो अप, उसके साथ खाया उसके साथ खेला गुड फूड एंड फायर एंड टू टॉक टू वॉट मोर आई वॉन्ट एमा ने बोला अच्छा खाना अच्छा फायर और किसी के -किस कोई बात करने के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए विल यू स्टे विथ मी माई न्यू फ्रेंड आस्ट काइंड एमा ने टीचर से पूछा क्या तुम मेरे साथ रहोगे टाइनी क्रीचर शुक इ ने हा बोलने के लिए अपना सर हिलाया यू कैन समाइम सी दम क्लियरिंग द स्नो टूगेदर इन काइंड एमाज गार्डन ये दोनों एमा और टाइनी क्रीचर को आप कभी कभी देखोगे स्नो क्लियर करते हुए एमा के गार्डन में ये स्टोरी मार्टिन वैदलेल ने लिखी है fill in the blanks 1 the tiny creature wanted to come in because of dash and dash tiny creature ko ghar ke andar because of wind and snow 2 the creature told emma that the fire has burned dash creature ne emma ko bataya that the fire has burned low 3 emma gave the creature a dish of dash dash एमा ने क्रीचर को डिश दिया हॉट सूप का वेन ईमा वो नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश डैश वॉज रेडी ईमा अगली सुबह जब उठी तब उसको फ्रेश ब्रेड रेडी मिला रीड दी सेंटेंसेस राइट ट्रू और फॉल्स आप सेंटेंसेस को रीड करेंगे और ट्रू और फॉल्स लिखेंगे वन द क्रीचर वॉज टू स्मॉल टू बी सीन क्रीचर बहुत छोटा था दिखने के लिए ट्रू टू एमा पुट आउट द फायर एमा ने फायर लगाया ट्रू थ्री शी गेव क्रीचर अ स्मॉल स्पून टू ईट विथ एमा ने क्रीचर को एक छोटा सा स्पून दिया खाने के लिए ट्रू फोर नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉटर वॉज कोल्ड एंड द हाउस वॉज डर्टी अगली सुबह वाटर ठंडा था और हाउस डर्टी था फॉल्स फाइव द लिटिल क्रीचर रैन अवे दैट नाइट छोटा क्रीचर उस रात भाग गया फॉल्स थिंक एंड आंसर यहाँ पे हमको सोचना है और आंसर करना है क्वेश्चन नंबर वन वाई डू यू थिंक द क्रीचर वॉज अ फ्रेंड ऑफ ईमा एट फर्स्ट आपको क्यों लगता है जो लिटिल क्रीचर था वो ईमा से डरा हुआ था पहले इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना टू डू यू थिंक डू काइंड पीपल मेक फ्रेंड्स इजिली क्या जो काइंड पीपल होते हैं वो फ्रेंड्स ईजिली बना सकते हैं इसका भी आंसर आप सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी वॉइस ग्लो पोक्ड हिडन फ्रेश ये वर्ड्स को यूज करके हमको ब्लैंक्स भरना है वन इट इज इम्पॉर्टेंट टू ईट डैश फ्रूट्स एवरी डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है डेली फ्रेश फ्रूट्स खाना द नॉटी गर्ल डैश मी विथ पेंसिल जो नोटी गर्ल थी पोक्ड मी विथ पेंसिल पोक्ड मतलब चुभाना I could see the glow of lamp main glow of lamp dekh sakta the teacher has a dash voice the teacher has a soft voice the treasure chest was dash in the roof treasure chest khazane ka dabba roof mein hidden tha chupa hua tha look at the pictures fill in the blanks with the name of colors कलर पेंसिल्स यहाँ पे हम पिक्चर देखेंगे और ब्लैक में भरेंगे पिक्चर कौन से कलर का है द ग्रास कौन से कलर की है फ्लावर इज डैश फ्लावर कौन से कलर का है फ्लावर रेड कलर का है द फ्लावर इज रेड थ्री द अम्ब्रेला इज डैश अम्ब्रेला कौन से कलर का है अम्ब्रेला ब्लू कलर का है द अम्ब्रेला इज ब्लू दिक इज डैश चिक कौन से कलर की है चिक येलो कलर की है दिक इज येलो द गर्ल्स हेयर इज डैश लड़की के बाल लड़की के हेयर कौन से कलर के हैं द गर्ल्स हेयर इज ब्लैक द फ्रूट और फ्रूट इज डैश द फ्रूट कौन से कलर का है द फ्रूट इज ऑरेंज अब हम थोड़ा ग्रामर पढ़ेंगे वर्ड्स डेट शो पशे हम वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमें पजेशन बताते हैं लुक एट द वर्ड्स इन द बोल्ड इन दी सेंटेंसेस। वर्ड्स जो बोल्ड एटर में है जो डार्क में है हम उन पे ध्यान देंगे एमा ओपन हर डोर एमा ने अपना डोर खोला द क्रीचर रन ऑन इट्स लेल अपने पैर से दौड़ रहा था एमा एंड फ्रेंड शेयर देयर फूड एमा और उसका फ्रेंड अपना फूड शेयर किए वी वर्क इन आवर गार्डन वो लोग उनके गार्डन में काम कर रहे हैं द वर्ड हेयर इट्स देयर एंड आर आर यूज टू शो पजेशन यहाँ पे वर्ड्स हेयर इट्स देयर एंड आर पजेशन को शो करते हैं पजेशन मतलब समथिंग बिलोंग्स टू समवन कोई चीज जो किसी और को बिलोंग करती है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स मोहन ओपन डैश बैग मोहन ओपन हिज बैग मोहन ने अपना बैग ओपन किया नीना वांट्स डैश बुक बैग नीना को हर बुक बैग नीना को अपना बुक बैग चाहिए था दिजन स्ल एट डेर लंचल डॉग ने अपना टेल हिलाया

टू शो थिंग्स फार अवे फ्रॉम अस दोज यूज होता है चीजें जो अपने से दूर है वो बताने के लिए वी यूज दीज एंड दो अबाउट मोर देन वन थिंग हम दीज और दोज यूज करते हैं एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करने के लिए लुक एट दिक्चर्स कंप्लीट दीज सेंटेंस यूजिंग दीज एंड दो यहाँ पे हम पिक्चर्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग दीज एंड में भरेंगे। डैश आर रेड बर्ड्स डैश आर ब्लू बर्ड्स आर रेड बर्ड्स हैं वो ब्लू बर्ड्स हैं डैश आर चिल्ड्रन प्लेइंग दोज चिल्ड्रन आर ईटिंग दीज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग दोज चिल्ड्रेन आर ईटिंग ये चिल्ड्रेन खेल रहे हैं वो चिल्ड्रन खा रहे हैं फैक्ट क्या आपको पता है एक ऐसी लैंग्वेज है जो गूगल पे ट्रांसलेट नहीं कर सकता है वो लैंग्वेज का नाम है अरामिक अरामिक लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर सकता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बाय सी इन नेक्स्ट वीडियो